मछली शहर की सपा विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर ने सीएम योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद ज्ञापित किया है। जी हां, यह धन्यवाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया के फेसबुक पेज पर पोस्ट करते हुए किया है। अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट करते हुए सपा की मछली शहर विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर ने लिखा है कि मछली शहर मोहल्ला पुरानी बाजार के छेदीलाल जी के पुत्र पवन गुप्ता जी रीनल सेल कार्सिनोमा गुर्दे में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त थे और यह फेफड़ों तक फैल चुका था, जिसके लिए उनका इलाज फोर्टिस अस्पताल गुरुग्राम में चल रहा था। डॉक्टर्स ने तत्काल ऑपरेशन के लिए कहा, जिसमें लाखों का खर्चा आना था और परिवार इतनी रकम जुटाने में असमर्थ था। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री कोष से 5 लाख रुपए की तत्काल सहायता राशि जारी की, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देती हूँ। पवन गुप्ता जी के उत्तम स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपनों के बीच लौटें। तो जी हाँ, सपा की मछली शहर की विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर ने सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया है। आपको बता दें कि मछली शहर के रहने वाले छेदीलाल के पुत्र पवन गुप्ता जो गुर्दे में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित थे और इसके लिए उन्होंने पत्र लिख करके मुख्यमंत्री से जो है सहायता की गुहार लगाई थी, जिस पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री कोष से 5 लाख रुपए की तत्काल सहायता राशि जो है वो जारी की है, जिसके बाद डॉक्टर रागिनी सोनकर ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपने फेसबुक पोस्ट पे ये सब बातें शेयर की हैं।